ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. सबसे पहले जैसे कि वहाँ मुझे बताया गया हमारे किराम ने हमारे जो भाई बहन हज में गए आज उन सबके लिए आराफा का दिन आज सबके एहराम की हालत में अल्लाह से बहुत हाथी मांगेंगे बहुत रोएंगे अल्लाह को माफ कर तो आज हम असर तो नहीं कर सकते नंबर कम नकल करें कॉपी करें हम भी अल्लाह से मांगे हमारा आराफा का दिन भी शक्ल है लेकिन आज उनकी नकल करते हुए क्योंकि अल्लाह ताला को असल को भी कबूल करते हैं नकल को भी कबूल करते हैं तो हो सकता आराफा के उस दिन की वजह से अल्लाह हम सभी को माफ करे लेकिन इससे पहले कि हम आराफा के ऊपर आ गए आजकल ये जो बारिश का मौसम है ना अगर इस मौसम को देखने के बाद भी हमें अल्लाह समझ लेना है तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है हम देख रहे हैं कि जब हम चाहते थे कि आसमान से पानी आए उस वक्त हमारे यहाँ पर आसमान से पानी नहीं आया और अब जब पानी आया और इतना आया कभी खबर नहीं थी कि सूरत में भी बहुत जगहों पर पानी भर गया ये दो चार दिन पहले हमारे मदद से भी इतना पानी भर गया कि सारा चढ़ाव लोग पानी में डूब गया तो उस वक्त हम चाहते थे कि पानी अब रुके तो पानी रुकता नहीं था जब मांगा तो आया नहीं और जब आया तो रुका नहीं ये सब चीजें बताती है कि मेरा और आपका कुछ नहीं चलता जो होता है वो अल्लाह ही और ये बात यकीनी है जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है ना अल्लाह दाम मुमकिन को भी मुमकिन बना देता है और अगर हम सही मानने में सोचे ना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जो महीना है क्योंकि हज है उसका बैकग्राउंड भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है क्योंकि काबा की बुनियाद रखने वाले हजरत इब्राहिम और हजरत और हजरत इब्राहिम की अल्लाह की कसम इमाम कहते हैं पूरे कुरान में अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम का नाम 63 मर्तबा लेते हैं हमारे यहाँ पर जो कुरान है वो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से और हमारा कुरान पाक खत्म होता है मिनल जिन्नति वल नास पर पूरे कुरान में 63 मर्तबा 63 टाइम अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया और पूरे कुरान में जब हजरत इब्राहिम के बारे में कोई आयत आई हजरत इब्राहिम ने एक ही लहजे की यकीन बना लो करते करते वाले और कुरान करीब में कितनी मरतबा हजरत इब्राहिम का नाम और यही मेहनत हजरत इब्राहिम की एक अल्लाह पर यकीन एक अल्लाह पर भरोसा करने करने वाली साथ में बोलो ना आप लोग अल्लाह हमारी माँ बहने दिन दिन में बोले अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला
कुरान है मेरे इब्राहिम न तो यहूदी बन के आए मेरे इब्राहिम न तो ईसाई बनकर आए अल्लाह फरमाते हैं मेरे इब्राहिम एक सीधी शरीयत लेकर आए जिसका मकसद ये है करने धरने वाला अल्लाह ही अल्लाह के साथ न किसी को शिर्क करना अल्लाह के साथ न लोग कुफर करना बंद मेरी माँ बैठे मैं ऐसे आए थे तो न सुनाऊंगा लेकिन एक आयत सुनाऊंगा अल्लाह ने क्या धूम मचाते हुए हजरत इब्राहिम की तारीफ की अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे इब्राहिम रुकू करते हैं ना तो ऐसा लगता पूरी उम्मत ने रुकू कर लिया मेरा इब्राहिम एक सजदा करते ना ऐसा लगता पूरी कौम ने सजदा कर लिया मेरा इब्राहिम इबादत करते ना ऐसा लगता पूरी कौम ने इबादत कर ली अल्लाह ने फरमाया من المشركين شاكرا ليدعوه اجتباه وهداه الى صراط अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम फरमा बर्दारी करने वाला सीधे रास्ते पर चलने वाले अल्लाह फरमाते सारी दुनिया मुझसे मोहब्बत करे मैं वो अकेला खुदा जो हजरत इब्राहिम से मोहब्बत करो तो मेरी माँ बहने आज पहला सबक हजरत इब्राहिम की तरफ से और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये है जिसकी मेरी माँ बहने दिल्ली बैठी है और जितने यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरे सब यहाँ बैठे मेरे बच्चों की तरह ही है सब लोग यकीन बनाए करने धरने वाला कौन और आपने अजीब वाक्या सुना हूँ कि करने धरने वाला अल्लाह जब यकीन हो जाता है ना अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है आपने बोलो ना अल्लाह नामुमकिन को भी यकीन होना चाहिए कि जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ आज जो हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से और जो आइंदा भी होगा इसकी तरफ से इसलिए हम लोग हमारी माँ बहने बेटियां जब जमा होती है तो आप पर इतनी बातें होती इतनी बातें होती है अल्लाह के दीन की इज्तिमा में हम लोग जमा होती है लेकिन दीनी तालीम शुरू होने से पहले और दीनी तालीम के खत्म होने के बाद बहुत जगह पर सुना जाता माँ बहने बेटियां जमा होगी और आप अपने पास होगी चलो मेरे को घर में बहुत पीछे ही होती है तो दूसरी बहन बोलेगी मेरे को घर में बहुत घबराहट होती तो इसी बोली की मालूम है मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आती है और आखिर में खुलासा क्या आएगा कि हो सकता किसी के घर में जादू हो गया किसी के घर में चिन्ना का गया किसी के घर में नजर लग गई किसी के घर में बंदिश हो गई मेरी माँ बहने और बेटियां कसम खाकर कहता न नजर न बंदिश न जादू न जिन्ना वो सब बात की बात है सबसे पहली बात है हमने अल्लाह पर भरोसा कम कर दिया अल्लाह ने हमको पैरों के हवाले कर दिया इसे मेरी माँ बहने आज फिर कहता हूँ एक बार अल्लाह पर भरोसा कर लो यकीन बना लो कि जो हुआ अल्लाह की तरफ से जो होता है अल्लाह की तरफ से आइंदा जो होगा अल्लाह की तरफ से और हम तवज्जो किसकी तरफ करें इसे सब माँ बहनों को कहूंगा बिल्कुल अल्लाह की तरफ इस पर मुतवज्जे हो जाए और ये वाकया सुने कि जब एक औरत अल्लाह पर भरोसा करती है ना अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा आपको मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी दूसरी शादी की आपको इतना मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी का नाम हजरत सारा दूसरी बीवी का नाम है हजरत हाजिरा बोलो ना साथ में आपको कहता हूँ दूसरी बीवी का नाम है हजरत है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब शादी की हजरत हाजिरा से उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र थी 99 99 साल की उम्र थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और शादी हो रही है किससे हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम से शादी हो रही और हजरत हाजिरा ये बादशाह की लड़की बादशाह की लड़की थी हजरत हाजिरा लेकिन बात बीवी भी कितनी प्यारी बीवी बन गई जो नबी की बीवी बन गई हजरत इब्राहिम की बीवी बन गई अब जब शादी हो गई हजरत इब्राहिम की और हजरत हाजिरा की दोनों की शादी हो गई तो हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे बच्चा चाहिए अल्लाह मुझे बच्चा अब सवाल उठता था कि अल्लाह बच्चा चाहिए 99 ईयर्स की उम्र है 99 साल की उम्र है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे अल्लाह मुझे बच्चा चाहिए तो किसी ने कहा हजरत इब्राहिम से आपकी उम्र को देखे हजरत इब्राहिम ने इतना प्यारा जवाब दिया मुझे मेरी उम्र से मतलब नहीं क्योंकि मालूम है औलाद देने वाला तो अल्लाह ही है औलाद देने वाला कौन और बुढ़ापे करीब से लिखा हजरत इब्राहिम ने 99 साल की उम्र में हजरत हाजिरा से शादी करने के बाद दुआ मांगी और कैसे रोकर दुआ मांगी وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين حضرت إبراهيم
अली मालिक सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह मुझे मालूम है मैं बुढ़ापा हो गया, मेरी उम्र 99 साल की हो गई, लेकिन औलाद देने का खजाना तो तेरे पास है, अल्लाह मुझे अच्छा लड़का दे दे। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, वो भी गुलाम अलीम। अल्लाह फरमाते मैं एक बच्चा देने वाला, सारी दुनिया का सबर एक पैमाने पर होगा, जो बच्चा होगा उसका सबर का पैमाना सबसे ज्यादा होगा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की दूसरी शादी बोलो, इनके साथ भी हजरत हाजिरा के साथ भी बच्चा पैदा हो गए। नाम बोलो ना इस्माइल, नाम आपको आज तक यूं ही मालूम होगा कि इस्माइल का तर्जुमा क्या, इस्माइल का तर्जुमा ये नाम डायरेक्ट अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने नाम दिया कि अपने बेटे का नाम इस्माइल रखो। इस्माइल इब्रानी जबान में, उस जमाने में जो जबान चलती थी उसका नाम है इब्रानी जबान। इब्रानी जबान में इस्माइल के माने आते हैं अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले। और हजरत इब्राहिम यही कहते हैं कि अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले। अल्लाह ने सुन ली और एक बच्चा दे दिया। हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल, अल्लाह ने बच्चा दिया तो अल्लाह ने कहा मुझे अदा इतनी पसंद थी, तू बार बार कहता था अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले। मैंने जो बच्चा दिया उसका नाम भी इस्माइल रख ले, ताकि कयामत तक तू कहता रहेगा मैं सुनता रहूंगा। तो ये नाम रखा हजरत इस्माइल। और मुझे बताना मेरी माँ कहते हैं ये इनको एकदम गिला देने वाली बात है कि अभी तो हजरत इस्माइल पैदा हुए, और अभी तो हजरत इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह ताला ने आसमान से एक सवारी भेजी। ये आपने नहीं सुना होगा, आसमान से एक सवारी भेजी जिसका नाम है बुराक। एक तो बुराक मेराज ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, ये अलग सवारी आसमान से अल्लाह ने भेजी जिसका नाम है बुराक। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है इब्राहिम तुम भी उस पर बैठ जाओ, अपनी बीवी हाजरा को भी बिठाओ और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को भी बिठाओ। और तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जब सवारी आई और आसमान से सवारी आई, हजरत इब्राहिम तुम भी बैठ गए, अपनी बीवी हाजरा को बिठाया और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को बिठाया, और मालूम ने बहुत सारा खजूरों के ठेले ले लिए, पानी ले लिया और पूछा अल्लाह मुझे कहाँ जाना है। अल्लाह ने कहा मैं अब भी बताऊंगा कहाँ जाना है, बस तुम्हारी सवारी को चलाते रहो चलाते रहो। मेरी माँ बहन ने लिखा है कि ये सवारी चली है मुल्के शाम से, कहाँ से चली है मुल्के, और मुल्के शाम में जगह का नाम है हबरून, हबरून वो जगह का नाम है, वहां से ये सवारी चली है। ये अल्लाह की तरफ से सवारी थी ना, हजरत इब्राहिम भी बैठे, हजरत हाजरा भी बैठी है, दूध पीते बच्चे इस्माइल भी बैठे, और ये सवारी चली जा रही, चली जा रही, उनके शाम से चली जा रही, हबरून से चली जा रही है। और मालूम भी कितनी जगह रास्ते रुकते थे, कुछ खजूरें खरीदते थे, कुछ खाना खरीदते थे, कुछ पानी लेते थे, लेकिन अल्लाह कहते थे भाई आगे चलो आगे चलो आगे चलो। वो मुल्क के शाम से लेकर ये सवारी की आखिरी मंजिल मक्का मुकर्रमा, लेकिन उस वक्त मक्का मुकर्रमा में न तो काबा था, न तो कोई बाजार था, न कोई घर थे, न कोई बस्ती थी, न कोई आबादी थी, एक जंगल का लंबा चौड़ा मैदान जंगल, जहाँ कांटे ही कांटे, दरख्त ही दरख्त, पत्ते ही पत्ते नजर आते। और वो सवारी बिल्कुल जंगल के बीच में पहुंची, अल्लाह ने फरमा इब्राहिम ये तुम्हारी मंजिल है, यही पर एक घर बना लो। हजरत इब्राहिम हजरत हाजरा आप सोचे कि माँ बैठे जो बादशाह की लड़की होगी, मिस्र के बादशाह की लड़की हजरत हाजरा वो दुल्हन बनकर आई, हजरत इब्राहिम के निकाम में आ गई, और आज उनको एक जंगल में रहना पड़ता है, एक छोटा सा झोपड़ा बनाया गया, उस झोपड़े में हजरत इब्राहिम भी रहने लगे, हजरत हाजरा भी रहने लगी, और दूध पीते बच्चे इस्माइल भी रहने लगे। बस एक दिन ऐसा हुआ अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, इब्राहिम अब इन दोनों को यही छोड़ दो और आप वापस मुल्क के शाम चले जाओ, आप वापस मुल्क के शाम चले जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत रोए अल्लाह के सामने कि अल्लाह ये कैसा इम्तिहान, अल्लाह अल्लाह के जंगल में ना आबो दाना है, न यहाँ खाने पीने की कोई चीज है, सिर्फ मेरे पास खजूर और पानी है। अल्लाह ने मेरी बेटी, अल्लाह ने मेरी बीवी हाजरा को अकेला छोड़ दो, मेरे दूध पीते बच्चे इस्माइल को अकेला छोड़ दो। अल्लाह की तरफ हुक्म आया इब्राहिम आज सबकी मोहब्बत पीछे करते, मेरा हुक्म आगे करते और अपना चलना शुरू करते। हजरत इब्राहिम अपने घर से जब निकलने लगे, हजरत हाजरा समझ समझ गई और कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपका हजरत इब्राहिम ने मुड़े भी नहीं, उनकी तरफ देखे भी नहीं, कोई जवाब न दे। हजरत इब्राहिम अपना कदम बढ़ाते गए बढ़ाते गए, हजरत हाजरा पीछे पहुंचती गई, मेरे शोहर ये तो बताओ हमको जंगल में अकेला क्यों छोड़ रहे हो, और मेरे बेटे दूध पीते बच्चे को अकेले जंगल में क्यों छोड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हजरत इब्राहिम वहां के बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तारीख की किताबों में लिखा है कि जो सफा और मरवा पहाड़ी है ना वहां तक हजरत इब्राहिम पहुंचे। हजरत हाजरा बहुत
पड़ी। आखिर में आकर आजरा ने कहा, आपको न देखना मेरी तरफ न देखो, बच्चे की तरफ न देखना न देखो, लेकिन इतना तो बताओ आप अल्लाह के हुकुम से जा रहे हो। हजरत इब्राहिम की आवाज में रोना था, कहा कोई शोर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ता, कोई बाप अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ता, अल्लाह का हुकुम है कि इनको छोड़ दो। तो हजरत हाजरा प्यार ईमान वाली औरत थी, फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो उसकी कसम वो कभी हमको बर्बाद नहीं करेगा, वो कभी हमको जाहिर नहीं करेगा। हजरत हाजरा वापस झोंपड़े में आ गई और अपने दूध पीते बच्चे को लेकर बैठ गई। हजरत इब्राहिम ने कैसा सबर किया होगा कि पीछे मुड़कर भी न देखे, लेकिन तारीख की किताबों में लिखा कि जब वो मरवा पहाड़ी के आगे निकल गए, जिस जगह का नाम है सनिया, वो सनिया वाली जगह पर पहुंचे, वहां हजरत इब्राहिम बहुत रोए, दो रकात नमाज पढ़ी और बहुत रोए और कहा अल्लाह कब से रोने का जी चाहता था, कब से आंसू बहाने का जी चाहता था, कितनी मरतबा मुड़ के बीवी को देखने का जी चाहता था, कितनी मरतबा मेरे नक्शे जिगर 7 साल के बेटे इस्माइल को देखने का जी चाहता था, लेकिन अल्लाह तूने मना कर दिया था कि पीछे मुड़कर बीवी को मत देखना, पीछे मुड़कर बेटे को मत देखना। अल्लाह अब तो मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वो नजर भी नहीं आते, इतना दूर मैं आ चुका हूँ। ए अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा ले। और हजरत इब्राहिम ने जब दुआ मांगी ना अल्लाह की कसम वो कैसी कबूलियत की घड़ी होगी, कहा मेरे बेटे की हिफाजत कर, मेरी बीवी की हिफाजत कर, और कहा अल्लाह ये जगह जंगल है, इसको अल्लाह आवाज बना दे। मेरी माँ बहने अल्लाह ने वो दुआ ऐसी कबूल की कि अल्लाह ने उसी को मक्का मुकर्रमा बना दिया। तो मक्का मुकर्रमा भी बना है तो एक औरत की कुर्बानी बताना है, और वो औरत का नाम है हजरत है। ये पूरा कुरान में लिखा है, ये कुरान में लिखा 12 नंबर 13 बोले 12 नंबर। अल्लाह ने कितने अजीब अंदाज में इस वाक्य को बयान किया, वही قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اب حضرت ابراہیم وہ بات پر آ گئے، اللہ میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، اور دونوں کے پاس کھانا بھی کچھ دن میں ختم ہو جائے گا، اور یہ جنگل میں اللہ حضرت ابراہیم نے کتنے پیار سے فرمایا، ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب دعائیں مانگی اور اس کے بعد ملک شام کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہاں بولو نا، یہ جھوپڑے میں اکیلے کون ہیں؟ ہاجرا اور ابھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ لکھا ہے کہ 24 گھنٹے تک حضرت ہاجرا کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بیٹے اسماعیل جو دودھ پیتے بچے تھے، حضرت ہاجرا کا دودھ آنا بند ہو گیا، بیٹے کو دودھ پلا نہ سکے۔ اس وقت حضرت ہاجرا کو خیال آیا کہ شاید میرے بیٹے اسماعیل اب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے ہو گئے، حضرت حاجرہ کہتی میرے اندر تو سکت اور طاقت تھی کہ میں اور 24 گھنٹے نکال دیتی، لیکن میں میرے بچے کو تڑپتا دیکھتی تھی، اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے، اور وہ بھی دودھ پیتے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے میری اس امید میں کہ کہیں مجھے کچھ ملے گا، حضرت حاجرہ کہتی میں دوڑتے دوڑتے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، وہاں جا کے میں دیکھتی کہ اے کوئی کھلانے والا، اے کوئی کھلانے والا، پھر کہتی اللہ کسی نہ کسی کو تو بھیج دے اللہ، جو میرے بچے کی جان بچا لے رہے، جو مجھے کھانا پینا دے دے رہے۔ حضرت حاجرہ کبھی صفا پہاڑی سے مروا، کبھی مروا سے صفا، کبھی صفا سے مروا، کبھی مروا سے صفا، 7 چکر پورے ہوتے ہیں، اور غیب سے آواز آتی ہے اللہ کی بندی پانی کا انتظام ہو چکا ہے، پانی کا انتظام۔ حضرت حاجرہ کہتی کون ہے یہ کہنے والا، کون ہے؟ کم از کم اللہ میرے سامنے تو کر دے۔ میرے حضرت حاجرہ فرماتی میرے سامنے ایک انسان کی شکل میں لمبے چوڑے آدمی آئے اور آ کر کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اب آپ سوچے اللہ پر بھروسہ کی حضرت ابراہیم نے، حضرت حاجرہ نے، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت حاجرہ کو کہا آگے چلو، جہاں حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور دودھ پیتے بچے تڑپ رہے تھے، ایسا لگتا تھا آخری سانسیں لیں گے۔ حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں کوئی عصا یا کوئی لکڑی تھی جو ایک زمین پر رکھا، اور حضرت اسماعیل اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں
वो जमीन पर रगड़ना शुरू किया और वहां पे पानी का निकलना शुरू हो गया और इतना पानी फोर्स में निकला, इतना फोर्स में निकला कि हाजरा फरमा दी, मैंने सारे अपने झोपड़े के मटके भर दिए, सारा का सारा पानी मैंने अपने पास रखा, मैंने पिया और पानी बहता गया बहता गया। मगर हाजरा कहती है अल्लाह की कसम इतना पानी निकला कि उस जमाने में ये कहना पड़ता था, अरे पानी रुक जा पानी रुक जा पानी रुक जा, तो पानी रुकने को उस जमाने में इब्रानी जबान में कहते थे जम 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 जम, यानी रुक जा रुक जा रुक जा। इसीलिए इस पानी को जमजम का पानी कहा जाता है, क्योंकि हजरत हाजरा ने बहुत सारे पानी रुके, जब पानी नहीं रुकने लगा तो हजरत हाजरा चारों तरफ से पत्थर लेकर आए और चारों तरफ से पत्थर ला कर रखा। अरे बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश हाजरा उस वक्त पानी को ना रोकी होती, वो रोक दिया तो पानी सेंटर में आ गया, अगर न रोका होता तो आज जमजम का दरिया मक्का में बहता होता। लेकिन खैर मेरी माँ बहने मुझे बताना ये आज हमारी माँ बहने बैठी हुई यहाँ बैठी हुई है, लेकिन आज ताबा अगर मिला है औरत के सदके में मिला है, अगर जमजम का पानी मिला है उसे औरत के सदके में मिला है। तो मेरी माँ बहने मक्का मुकर्रमा की जो शान आज हमको नजर आती है, जिसके जाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, हर मुसलमान के दिल में आज जितनी मेरी माँ बहने बेटियां बैठी है, थोड़ी देर के लिए सोचो इस वक्त कितने हाजी अरफा के मैदान में जाने वाले होंगे और कितने हाजी वहां जाके रोने वाले होंगे। हमारा भी दिल चाहता है कि काश मैं भी एहराम की हालत में होता, मैं अरफा के मैदान में होता, मैं अल्लाह के सामने मांगता होता, अरे मेरी माँ बहने बेटियां लोग कहते इस्लाम में औरत को हक नहीं दिया, हम सीना ठोक कर कहते हैं कि मक्का मिला तो औरत की वजह से मिला, सफा मरवा की सही मिली तो औरत की वजह से मिली, खाने काबा मिला तो औरत की वजह से मिला और जमजम का पानी मिला तो भी औरत की वजह से मिला, और वो औरत जिसका नाम हजरत हाजिरा है और हजरत हाजिरा ने साबित कर दिया कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता, बाकी किसी की तरफ से कुछ नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो मेरी माँ बहने बेटियां आज मैं आपसे कह रहा हूँ, एक अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने अपना सारा दुख दर्द किसी और को क्यों बताए। तो बहने जगह होती है मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी जीठानी ने ऐसा किया, मेरी ननंद ने ऐसा किया, मेरी देवरानी ने ऐसा किया, अरे मेरी माँ बहने हमसे बड़ा पागल कौन होगा जिसको बोलते है वो पूरे झापा बाजार में बोलेगा, वो पूरे सूरत में बोलेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम जिसको भी बोलेंगे, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी ननंद, मेरी माँ, मेरी सास, मेरा ससुरा, जो भी बोलो तुम जिसको बोल रही हो वो सिर्फ एक काम करेगी कि पूरे जापा बाजार में हमारी बदनामी करेगी। अरे ये सब न करते, सबको ये कहते मेरे घर में अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। और जो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह को कहते, जो अल्लाह हाजरा के लिए काबा बना सकता, जो अल्लाह हाजरा के लिए जमजम का पानी ला सकता, जो अल्लाह हाजरा के लिए सफा और मरवा पानी को आबाद कर सकता, जो अल्लाह हजरत हाजरा के लिए पूरे मक्का मुकर्रमा को बचा सकता, क्या वो अल्लाह हमारे एक घर के दुख को दूर नहीं करेगा। मेरी माँ बहने अपने को यहाँ लेकर आए तो मैं बहुत खुलकर कह रहा हूँ आपसे कि भरोसा करें तो अल्लाह पर भरोसा करें, ये पहला करेंगे सब लोग करेंगे, आप लोग भी करेंगे इंशाल्लाह, ये बहुत मुबारक दिन है। मैं कह रहा हूँ मुझे भी याद आता है कि जब हम भी हज में उठते थे, आज का दिन तो बड़ा प्यारा दिन होता है, हाजी इतना प्यारा दिन होता है कि मैं आपको कसम खा कर कहूँगा कि जब जब मैं हज में पहुँचा और अरफा का दिन आया और हमने एहराम बांधकर जो जोहर के बाद से भूख में खड़े होकर मांगना शुरू किया, हम तो सही में अभी भी मुझे एहसास होता है कि असर केवल ऐसा काज में जैसे आवाज आती थी कि अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, बल्कि जिसका नाम लिया आज अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया। इससे मेरी माँ हो, बहनों हो, बेटियों बहुत प्यारी करी है, पहला काम अल्लाह पर भरोसा करेंगे, भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम अल्लाह रसूल के वास्ते हम कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, कुर्बानी भी करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा सामने रहेगी, हमारी मर्जी पीछे होगी अल्लाह रसूल की मर्जी आगे होगी। हमारी मर्जी इसीलिए कुर्बानी में हमको क्या है, कुर्बानी तो मजाक हो गया, मजाक हो गया हमारे जवान दोस्त मंडियों में जाते हैं, बकरे खरीदते खरीदो भाई, खरीदने के बाद उसके मोबाइल पे फोटो निकलते हैं, हमारे कितनी खुराफा की जाती है। लेकिन माँ बहने
सिर्फ मुरझाने का, और ये मेरी माँ बहन को जितना समझ में आएगा ना, शायद किसी और को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, बाप अपने बच्चों से वो मोहब्बत नहीं कर पाता जो माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। और ये बात यकीनी है, इसीलिए तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जब एक सहाबी ने आकर पूछा कि मुझे किसकी खिदमत करना, हमारे नबी ने फरमाया उम्मो माँ की खिदमत करो। उस सहाबी ने फिर पूछा फिर किसकी खिदमत करो, उम्मो माँ की खिदमत करो। फिर चौथी मरतबा सहाबी ने पूछा अब क्या करो, फरमाया अबूक जाओ अब्बा की खिदमत करो। हदीस पाक का खुलासा ये है कि माँ का दर्जा बाप से तीन गुना ज्यादा है, क्योंकि माँ ने वो तीन तकलीफ उठाई जो अल्लाह की कसम मर्दों ने उठाई नहीं तो कयामत तक। जी को पेट में रखना 9 महीने तक और दर्द से दर्द बर्दाश्त करना कौन करता है, माँ। 9 महीने के बाद बच्चे को झड़ना जो सबसे खतरनाक मौका, कि इब्ने कय्यिम जैसे अल्लाह के वली लिखते हैं कि औरत का झड़ने का वक्त ऐसा होता है जैसे एक पांव उसने कब्र में रख दिया है, तो झड़ने का काम भी कौन करती है, माँ। और दो साल तक दूध पिलाने का काम कौन करती है, माँ। आप सोच नहीं सकता 9 महीने तक पेट में रखने का काम माँ का है, बच्चे को झड़ने का काम माँ का है, और दो साल तक दूध पिलाने का काम माँ का है। हमारे नबी ने सीखा माँ माँ माँ, तो जो माँ बच्चों का काम समझेगी ना वो बाप थोड़ा देर में समझेगा। इसलिए मैं जो पप्पा कहने जा रहा हूँ, मेरी माँ कहने देखिए का तो ये यकीन कर लो सबसे आज से जितनी मेरी माँ कहने बीती बैठी है इसलिए वो कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरे घर में रोना धोना, मेरे घर में आना जाना, मेरे घर में देवरानी क्या करती, बेटानी क्या करती, नजर क्या करती, सास क्या करती, बहू क्या करती है, ये सब धोखा है, धोखा है। अल्लाह की कसम ये सब ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टूपिड और रबिश, आखिरी दर्जे का कचरे की टोकरी में डालने वाला काम है। क्या आप उन औरतों को जाकर कहती हो जिन औरतों ने अपने घर का मामला हल नहीं किया, वो तुम्हारे घर का मामला क्या कर, जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकी वो तुम्हारा क्या करेगी। इससे अच्छा मेरी माँ बहने दो रकात नमाज पढ़के अल्लाह के सामने रो ले, अल्लाह मैं ये घर में शादी करके आई हूँ, मुझे नजर की तकलीफ है, मुझे सांस की तकलीफ है, वो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह हमारे नबी फरमाते सबके दिल बोलो सबके, अल्लाह फरमाते दो उंगलियों के बीच में, अल्लाह फरमाते मेरी दो उंगलियों के बीच में सबके दिल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा अल्लाह फरमाता ये सारे इंसानों के दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान में जैसा चाहा पलट दिया। अरे दो रकात से पहले ननन से दुश्मनी थी, दो रकात के बाद वो ननन माफी मांगने दरवाजे पर आ गई। तो ये करने वाला कौन है, मुझे भेजा है मर्द लोग है ना ये तो समाज के साथ नमाज पढ़ते हम तो घर में नमाज पढ़ने को कहा गया है, मर्द तो आगे नहीं जाते वो आपके पीछे नमाज पढ़े हम घर में नमाज पढ़े। फिर कहा कि ये मर्द लोग जनाजे में चलते हैं, हमको तो जनाजे में चलते हैं, तो ये मर्द लोग जो है ये
इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते और हम लोग इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने से रोका गया और ये मर्द लोग खुले खुले आते हाथ से मिलते है हाथ से गले लगते है सब मौतें पड़ने में रहती है तो अल्लाह के रसूल के पर सब जन्नत में जाएंगे और हम सब पीछे रह जाए क्योंकि ये तो सब काम आपके साथ करे ये जमातों में रहे ये जनाजे में रहे ये दावत और तबलीग के काम में रहे ये इस्लामी सरहदों की हिफाजत में रहे और अगर औरतें घर में पड़ने में रहे तो औरतें पीछे हो गए मर्द सारे जन्नत में जाएंगे हमारे नबी ने फरमाया आसमा आसमा वो सारी औरतों को जाकर कह दें प्यारे नबी ने कसम खाई है उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है वो सारी औरतों को कह दे शोहर कहा करता है शोहर से मोहब्बत करे शोहर जैसा चाहता है इस्लाम के मुताबिक वैसे औरत जिंदगी गुजारे ये सारे मर्दों की इबादत पीछे होती है औरत की इबादत आगे भी चल जाएगी हमारी मर्जी पीछे होगी अल्लाह रसूल की मर्जी बताओ वही हजरत इस्माइल जैसा भी दूध पीना करता वाक्य मैंने बताया अब आप बताओ हजरत इस्माइल की उम्र हो गई 7 साल इतनी मर्जी कितनी उम्र वो वही होता है वो हमारा खाद सब ऐसे ईशा तक तो टीवी सीरियल देखती है ईशा के बाद टीवी सीरियल देखती है तो हाथ में वही आया था कोई रोटी हुई कोई तलाक वाली कोई पापती हुई कोई खाती हुई कोई नाचती हुई कोई बजाती हुई और कहीं आपको ऐसा खाद दिखाया हम तो चौकी उठ गए तो कम पकड़ टीवी सीरियल का देखते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ के सो सुबह बकरा के आखिरी दो आयतें पढ़ के सो तस्बीहात फातिमा पढ़ के सो और रात के सोने की दुआएं पढ़ो और मैं तो यकीन के साथ कहता हूँ रवि शरीफ पढ़ते पढ़ते सो मैं कसम अल्लाह की कहता हूँ वो दिन आएगा नबी खुद हाथ में आएंगे और फिर आएंगे नहीं इतना साथी होगी कहने भी लगेंगे और एक बार कह देंगे मैं तेरा नबी बन गया तू मेरा उम्मत ही बन गया तो खैर ये तो बात थोड़ी इधर उधर होगी बात इस पर थी कि हम अपनी मर्जी पीछे करें अल्लाह रसूल की मर्जी आगे करें तो बोलना हजरत इब्राहिम की उम्र कितनी 106 और हजरत इस्माइल की उम्र कितनी खास करें अल्लाह कह रहे अपने बेटे के गले पे छुरी चला मैं सिर्फ फौरन बता रहा हूँ पूरा वाक्य नहीं अपने बेटे के गले पे छुरी इब्राहिम सुबह में उठे अब खाप को सच्चा करना पड़ेगा यानी बेटे के गले पे छुरी पूरा दिन हो गया 106 साल की उम्र वाले हजरत इब्राहिम ने बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाई पूरा दिन गया क्यों रोते गए अल्लाह कानून बदल दे अल्लाह ये कानून बदल दे अल्लाह बेटे के गले पे आए तो छुरी चलाओ अल्लाह मेरे बेटे का कसूरी क्या है दूसरी रात को अल्लाह का फिर हुक्म आता है बोले बेटे के गले पे फिर दूसरा दिन भी गुजर गया ना अल्लाह अल्लाह क्यों बेटे के गले पे चुरी चढ़ाओ मेरे बेटे का कुछ क्या है मेरे बेटे ने कौन सी गलती की है तीसरी रात को जो हुक्म आया ना वो कैसा हुक्म आया जो आपने नहीं पढ़ा होता हदीस में लिखा अल्लाह ने डायरेक्ट ये कहा इब्राहिम तुम तो बेटे के गले पे चुरी नहीं चलाना मेरे हुक्म को नहीं मानना तो हजरत इब्राहिम की जबान से निकला अल्लाह कैसे चलाओ बहुत मोहब्बत करता 106 साल का बूढ़ा आदमी अपने 7 साल के बेटे से बहुत मोहब्बत करता अल्लाह ने फरमाया यही तो देखना चाहता हूँ आज मेरी मेरा हुक्म आगे जाता है या तेरी मोहब्बत आगे जाती है बस इतना सुनना था हजरत इब्राहिम ने अपनी मर्जी बोलो क्या की और अल्लाह की मर्जी क्या किया ले गए ना बेटे तीसरे दिन ले गए बेटे को मीना के मैदान में जो हमारी माँ बहने बेटी हज में उमरा पे गई होगी ना वो मीना के मैदान में अभी भी निशानी बनी हुई है जहाँ हजरत इब्राहिम अपने बेटे को ले गए और जाके लिटा भी दिया और बोलो जाके बस मुझे कौन बताना है जब बेटे को लिटाया है ना तो बेटे भी ले गए भी क्योंकि हजरत इस्माइल को मालूम हो गया कि ये अब्बा नहीं कर रहे कराने वाला कौन है पुराने करीम में निकाह हजरत इस्माइल ने कौन कहा अब्बा जब अल्लाह का हुक्म है तो चूड़ी चलाने में देर मत करना फरमाया अल्लाह
صابرین. حضرت اسماعیل 7 سال کے اپنے ابا کو کہتے ابا گلے پر چھری چلا دینا, تمہارے ہاتھ کاٹنے نہیں چاہیے, صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام ہوگا. لیکن میری ماں بہن نے مجھے صرف بتانا حضرت اسماعیل کی دو تین ماں سے عمر کی باپ تمہیں سبا کرنے جا رہا ہے, تم کھڑے ہو گئے. سبا تو کرو گے, مجھے سمجھانے کے لیے کپڑے کا کپڑا کہاں ہے؟ آپ کپڑا کہاں لے کر آئے؟ آپ تو چھری لے کر آئے, کپڑے کا کپڑا کہاں لے کر آئے؟ 6 سال کے ابا حضرت ابراہیم فوت ہوئے اور روتے ہوئے کوئی خاص بیٹے کا سفر کا کپڑا تھوڑی لے کر آتا. تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتار دی اور کہا ابا سبا بعد میں کرنا, پہلے یہ چادر رکھ لو تاکہ میرے مرنے کے بعد تمہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے, اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. چلو پھر حضرت اسماعیل لے گئے, کون ہوگا کسی 7 سال پھر لے گئے. ابھی حضرت ابراہیم پھر چھری رکھتے ہیں, پھر کھڑے ہو گئے. کہا کہ اب کیوں کھڑے ہوئے؟ ابا آپ ایسے سیدھے سیدھے چھری مت چلا, آپ کا چہرہ میرا چہرہ آمنے سامنے فیس ٹو فیس آمنے سامنے ہو رہا ہے, آپ میرے کو دبا کرو گے میں چلاؤں گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا. ابا مجھے الٹا لکھاؤ, گردن سے چھری چلاؤ تاکہ جب آپ دبا کرو میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, اللہ کا حکم سامنے ہوگا. چلو حضرت اسماعیل کیسے لے لے, ابھی ابا چھری چلانے والے تھے. حضرت اسماعیل روتے روتے پھر کھڑے ہوں گے. اب ابا کی ہمت 106 سال کے بوڑھے حضرت ابراہیم کا بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ابا سے ایک بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا, میری ماں کو میرا طلاق بول دے. میری ماں کو میں بولتا تھوڑی آیا, میری ماں تو یہ سمجھ رہی کہ مجھے تو گھمانے پھرانے لے آئے. کاش ابا وہی پہ مجھے بول دیے ہوتے تو میری ماں کا کم سے کم ایک گلے تو مل لیتا, ماں سے ملاقات تو کر لیتا. لیکن ابا کوئی بات نہیں, آپ اللہ کے حکم سے چھری چلاؤ, میری ماں کو میرا سلام پہنچا دینا. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل لے کے اور حضرت ابراہیم نے جو رونا شروع کیا, کبھی جھاجرا کا چہرہ سامنے آئے تو کبھی بالکل تو دبا کرنے کا معاملہ سامنے آئے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو بولو جنت کا دنبا لے کر آئے, جنت کا مہندا لے کر آئے, جنت کا جانور لے کر آئے, حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا. لیکن حضرت ابراہیم جب چھری چلا رہے تھے, آپ کو یقین تھا میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی, اس کے لائے اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی. وہ تو بعد میں پتا چلا بیٹا دبا نہیں ہوا, جانور دبا ہو گیا. تو حضرت ابراہیم کتنا روئے اور رو کر کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. تو اللہ نے اس وقت کہا ارے تم اسماعیل سے محبت کرتے ہو نا, تم 106 سال کی عمر کے اپنے 7 سال کے بیٹے سے محبت کرتے ہو, میں تم سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, مجھے امتحان لینا تھا, جاؤ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اللہ نے کیا انعام دیا آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے نبی فرمانے کے انعام ہم کو بھی ملے گا. بولے انشاءاللہ کیا انعام دیا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اپنی مرضی پیچھے کر دی, اللہ کا حکم آگے کر دیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم دنیا والے تمہیں سلام کریں گے لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا روز صبح شام پیدا کرنے والا تو تمہیں سلام کرے گا. اور ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کوئی بھی امتی مرد یا عورت یہ فیصلہ کر لے کہ میرا قانون پیچھے میرے اللہ کا قانون آگے اور اللہ کے قانون پہ عمل کرے, اس کے کان میں آواز نہیں آئے گی لیکن صبح ہوگی شام ہوگی اللہ خود اسے سلام کر دے جائیں گے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا اپنی مرضی آپ لوگ بولو نا, وہ تو آپ سے بھی نہیں بولتی, وہ تو پڑھتے ہیں. بولو نا اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے. ان شاء اللہ صبح ہوگی شام ہوگی پیدا کرنے والا خود اللہ ہم کو سلام کرے گا. اب میں اس بات پر آخری بات بتا رہا ہوں, ہمارے پاس دنیا کا سکتا ہے کل تو میرے کو بتا کر کے بچے میں بیان کرتا ہے.
और मैं मना करता था, मना मैंने चार बुझ कर दो बजे कर दिया कि यासी ना बोले, मालूम नहीं किसको फोन किया, बीवी को फोन किया, किसको फोन किया, दस मिनट में कहता है कि दो बजे ही जाएगा। आपको सुबह 11 बजे ना, बराबर 11 बजे तो बीवी उठाने दौड़ा हो रहा होता, अब वो कहने लगा इतवार का दिन है, आज तो रविवार है, आज तो सोने दे, मगर औरत को लड़ने की आदत है। पावर तो हमारा ही रहता है और सही औरतों का पावर चलता है, तो मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, मेरी भी शादी हुई, मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी फरमाते हमारे आकाशवासर ने फरमाया बहुत ही अकल वाला मर्द होगा, लेकिन औरत जब चाहती है उसकी अकल को उड़ा के लिए आपने देखा होगा, हम जितने बैठे ना हमारे एक्सपीरियंस से हमारी बीवी अगर घर में आ जाए और हमको कहेंगे कबाट नहीं है, अपने पड़ोस में कैसा कबाट है ना, वो उसमें तीन दरवाजे वाला या तीन दरवाजे वाला फ्रिज आ गया, अपने को वैसा चाहिए, अपनी कमाई थोड़ी ऐसी है, अपना घर कैसा चलता है तेरे को मालूम है, इतना बाहर दौड़ भाग करना पड़ता है, पसीना पसीना निकल जाता है, चलो बाजू वाला ठीक है वो कमाता धमाता होगा, तो वो लोग बड़ा फ्रिज लेकर आए, बड़ा कबाट लेकर आए, अपने लिए क्या जरूरी है कि बड़ा कबाट लाने का फ्रिज लाने का। हम रात को सोने के लिए जाएंगे ना, तो हम जहाँ सोएंगे उससे कई दूर सोएगी, धूल में हाथ भी लगा, क्या मतलब क्या, सुबह में उठे तो नाश्ता भी तैयार, कपड़े भी तैयार हो गए, वो बेचारा सोचते थे तो बिल्कुल बात ही नहीं करती, एक दिन दो दिन मुझे बिठा रखे हैं, वो मेरा तुम प्लीज लेकर वो मेरे कंपनी वाले से बात कर लिया है, वो ऐसा ऐसा करेगा अपन प्लीज देगा, तो वो दिल में सोचती है कि मेरा काम चल गया, हमारे नबी ने फरमाया था बड़े से बड़े अकल वाले, इसलिए मैं कभी कभी मां बहनों को कहता हूँ, महिला ने आपको इतनी कड़ाइयत दी है कि अपने शोहर की अकल को उड़ा के ले जाती है, तो क्यों ऐसा नहीं करती कि अगर हमारा शोहर फजर की नमाज ना पढ़े बस औरत मुंह चढ़ा दे, मुंह चढ़ा देवे, वक्त पे नाश्ता भी देवे, वक्त पे खाना भी देवे, लेकिन मुंह चढ़ाए रखे, एक दिन दो दिन तीसरा दिन यकीन वो सोने से पहले शोर कहेगा नहीं मोबाइल पे अलार्म रखना और मेरे वजन पे नहीं उठूंगा तो पानी डालना, लेकिन मेरे को मस्जिद में भेज देना, मेरी प्यारी बहने जिस तीसरे दिन ये वजन की नमाज पढ़ने जाएगा, दो दिन तक जो हमने मुंह चढ़ाया था ना वो दो दिन अल्लाह की इबादत से निकलेगा, और जब ये वजन की नमाज पढ़ने जाएगा ना अल्लाह फरिश्तों को कहता होगा इसकी बीवी को हमने जन्नत ही बना दिया है, तो मेरी माँ बहने अल्लाह की हमारे नदी को भी लगाकर मैं पूछ चुके आज का जो दिन है वो बहुत प्यारा दिन है, अरब का दिन है, यानी हाजियों के लिए अरब का दिन है, लेकिन मैं हदीस के बाद जल्दी सुना वो पूरी हदीस सुना हुआ तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, सुना पूरी हदीस सुना तो पूरी हदीस पहले भी सुन लेना, कि दोस्त आदमी अल्लाह के रसूल के पास जिसने हज का मौसम है वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, लेकिन जब दोनों आए ना तो मालूम नहीं कहीं दूर से आए होंगे, तो आपने कब से आए, पूरे पसीने में आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल हमको आपसे सवाल पूछना, हमको आपको कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल करना, अरे कोई बात जब हमारे नबी से बात करना अल्लाह की तरफ से नबी ने हमारे नबी ने फरमाया तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा, क्या एक काम करो तुम लोग इतने हफ्ते कब से आए हो सवाल मत करो, तुम्हारे दिल में जो सवाल आते वो भी मेरे होंगे जवाब भी मेरे होंगे,
अब कोई भी हो गए जब हमारे नबी ये कहते कि तुम सवाल करोगे जवाब दोगा, फिर कहते ना 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 खाए पर सवाल करोगे, तुम इतने थके थकाए आए हो, तुम्हारे दिल में जो सवाल आते सवाल भी तुम मैं करूँगा और जवाब भी। तो दोनों सहाबी कहने लगे सवाल बात करो, हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारे दिल में नौ सवाल आते सवाल आते और हमारे नबी ने नौ के नौ सवाल कर दिए और जवाब भी दे दिए। वो दोनों सहाबी हमारे नबी की पेशानी को चूमे और कहने लगे यकीन था कि आप नबी है, अब हमारा यकीन और बढ़ गया, आपसे बढ़ के कोई नबी को ही नहीं करना है। और मुझे नौ सवाल थे ना उस सब के सब हज के बारे में जिसके बारे में, और उसने आराधा का जो सवाल है ना वो सबसे चमकता चमकता सवाल है। चलो मैं जल्दी आप उम्मीद पर गिरो इन शह हमारे आका साथ में फरमाया तुम कितने सवाल लेकर आए हो, नौ सवाल। हमारे नबी ने फरमाया हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा पहला सवाल है कि हाजी अपने घर से निकले, बोलो हाजी अपने घर से निकले और मक्का तक पहुंचे तो ये निकलने का और मक्का तक पहुंचने का क्या सवाल होगा। जैसे हमें सूरत से निकले जापा बाजार से और हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो ये जापा बाजार से लेकर चलने का और मक्का तक पहुंचने का क्या सवाल होगा। हमारे नाका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ आने वाले तो मुसाफिर तुम्हारा दूसरा सवाल है कि हाजी तवाब करेगा, तवाब के बाद दो रकात नमाज पढ़ेगा तो दो रकात नमाज पढ़ने का क्या सवाब है। हाजी तवाब करेगा तवाब के बाद इतनी रकात पढ़ने का पुराने करीब में लिखा है तवाब के बाद दो रकात पढ़ो मकाम इब्राहिम के बाद कितने सवाल आप बोले दो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा तीसरा सवाल है कि हाजी सफा मरवा की सही करेगा। जैसे अभी आपने वाकई ने सुना सफा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी, मरवा पहाड़ी से सफा पहाड़ी, इस तरीके के साथ चक्कर लगते जाएंगे तो क्या सवाल मिलेगा। जितने सवाल हो गए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया आज के लिए। हमारे आका साहब ने फरमाया तुम्हारा चौथा सवाल है हाजी अरफा के मैदान में जाएगा, नौ ज़िलहिज्जा को अरफा के मैदान में जाएगा, एहराम बांधेगा, धूप में खड़े होकर धूप से मांगता रहेगा, अल्लाह से मांगता रहेगा तो अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आएगा। कितने सवाल है तो उन्होंने पांचवा सवाल पूछा, उन्होंने पांचवा सवाल पूछा ये बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवा सवाल बताया कि तुम्हारा पांचवा सवाल ये है कि हाजी अलग करवाएगा, बोलो हाजी अलग करवा के लश्कर मुड़वा दे तो उसका क्या सवाल मिलेगा। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा साथ तुम्हारा सवाल चल रहा है, तुम्हारा छठा सवाल ये है कि हाजी जब शैतान को कंकरी मारेगा जिसको रमी करना कहते उस पर क्या सवाल मिलेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा सातवां सवाल ये होगा हाजी कुर्बानी करेगा तो क्या सवाल मिलेगा, और तुम्हारा आठवां सवाल ये है कि हाजी जब सवाब की ज़ियारत करेगा यानी आखिरी सवाब कर फर्ज करेगा जिसके बाद हज मुकम्मल हो जाएगा तो उस पर क्या सवाब मिलेगा। कितने सवाल हो गए। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा आखिरी सवाल है हाजी जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है तो उस पर क्या सवाब मिलेगा। कितने सवाल आपको हैं। अब आप लोग भी उनको जीत जाना चाहिए माफ देने हमारे नबी ने जो एक एक सवाल का जवाब दिया। अभी तो सवाल हो गए नौ सवाल, वो दोनों साहब है गिराव ने कहा हम यही नौ सवाल लेकर आए थे। हमारे नबी ने फरमा जवाब सुनते जाओ सबसे पहले सवाल का जवाब हाजी अपने घर से निकलेगा, बोलो हाजी अपने घर से निकलेगा मतलब सूरज से मतलब निकलेगा और काबा तक पहुंचेगा। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम अपने घर से निकल कर काबे तक पहुंचेगा, एक एक कदम बढ़ाता जाएगा, एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी तो दूसरे कदम पर अल्लाह एक गुना माफ करता जाएगा। अब चाहे गाड़ी में बैठे, ट्रांसपोर्ट में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, फरिश्ते तो कदम 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 सूरत से लेकर मक्का तक अल्लाह जाने हजारों हजारों कदम होंगे, हर कदम पर एक गुना माफ होगा और हर कदम पर एक निकी निकी जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल था हाजी सवाब करके क्या करे, दो रकात नमाज पढ़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी तवाफ करके दो रकात नमाज पढ़ेगा, यहाँ दो रकात पूरी होगी एक अरबी गुलाब के आजाद करने का सवाब मिल जाएगा। अरबी गुलाब की कीमत आज बताई जाती है 5 लाख,
हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल था आज ही सपा मरवा की सही करेगा, सपा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सपा दो चक्कर, ऐसे चक्कर लगाता जाएगा तो क्या सवाल मिलेगा। हमारे नबी ने फरमाया बड़ी मुश्किल वाला मामला है, सपा मरवा तक जाना, सपा से लेकर मरवा, मरवा से लेकर सपा, ये सफर करना बहुत मुश्किल है। हमारे नबी ने फरमाया ये सही पूरी हो जाएगी, 70 गुलामों के आजाद करने का सवाल मिलेगा। हमारे नबी ने फरमाया था अरफा के मैदान में हाजिर जाएगा, नंबर 4 अरफा के मैदान में हाजिर जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, सब सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी अरफा के मैदान में खड़े हो गया, मर्द होते एहराम की हालत में धूप में खड़े हो गए और अल्लाह से रो धो के मांगना शुरू किया, दुआ कर अल्लाह हम सबको ले जाए वहां पे, क्या मंजर होता जी मंजर, और रो कर मांगना शुरू किया। उस वक्त अल्लाह की आवाज आती है, मेरे हाजी बंदो अगर तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों के बराबर, अगर तुम्हारे गुनाह जंगल के दरख्तों के बराबर, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के कंकरों के बराबर, आज जितने भी तुम्हारे गुनाह होंगे अल्लाह फरमा दे मेरी कसम मैंने तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ कर दिया। और अल्लाह के प्यारे का के मैदान में हाजी हो, आज जिसका नाम चाहो ले लो, जिसका नाम लोगे आज उसके भी तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। फिर हाजी के बारे में पांचवा सवाल वो अलग कराए, क्या कराए, हमारे नबी ने फरमाया जब अलग करवाएगा बाल जिनका जाएगा, एक बाल गिरेगा एक नेकी मिलेगी, दूसरा बाल गिरेगा एक गुनाह माफ हो जाएगा। छठा सवाल हाजी शैतान को कंकरी मारे, बहुत सुनने चलता। हमारे नबी ने फरमाया अरे वो वक्त जब हाजी शैतान को कंकरी मारे तो एक एक कंकरी मारेगा, पहले दिन मारेगा, दूसरे दिन मारेगा, तीसरे दिन मारेगा। हमारे नबी फरमाते जो बहुत बड़ा गुनाह था इसका, जिसकी वजह से जहन्नम का फैसला था, एक एक कंकरी मारने पर मैंने वो गुनाह को भी आज बना कर हाजी कुर्बानी करेगा, एक कुर्बानी जरूरी है, एक कुर्बानी वहां अरब में होती है। हमारे नबी खामोश हो गए, हमारे नबी ने अल्लाह ने मुझे मना कर दिया कि हाजी वहाँ जो कुर्बानी का था उसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, अल्लाह कहता छुपा के रखो मैं ही कयामत में अदा कर दूंगा। तो कुर्बानी का इतना बड़ा था, अरे हम लोग यहाँ कुर्बानी करते थे जानवर के गले पे छुरी चला दे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो खून का कतरा जमीन पर गिरे उससे पहले अल्लाह हमारी इंडिया में मगफिरत कर देता है, तो जो मक्के में जानवर जबा होता होगा। हमारे नबी कहते हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अल्लाह ही उसका फैसला कर देगा। हाजी तवाब के फर्ज करेगा, इसका नाम है तवाब के ज़ियारत, तवाब के फर्ज, आखिरी तवाब, ये तवाब के बाद हाजी हाजी हो गया, हाजी वाला हाजी हो गया, सब लोग मुबारकबादी देते माशाल्लाह हाजी बन गए, तो वो तवाब के बाद सब मुबारकबादी देते। हमारे नबी फरमा एक फरिश्ता आता है, वो हाजी मर्द हो या औरत हो उसके कंधे पे यूं हाथ रखता है और कहता है हाजी या हजियानी सुनो नई जिंदगी शुरू करो, ऐसे करो जैसे माँ के पेट से निकले हो, अगला पत्र माफ कर दिया गया है। आखिरी बात हाजी जब क्या पढ़ता है, पढ़ो मेरे साथ लगना, औरतें धीरे 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 करेगी उनकी आवाज करते हैं, आप लोग पढ़ो ना हाजी क्या पढ़ता है, हाजी जब लबैक पढ़ता है तो क्या सवाल मिलता। हमारे नबी फरमाते जब हाजी हज वाला पक्का होता ना तो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहता, वो जहाँ से गुजरता है वहाँ से तरफ भी लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहते, वहाँ का पत्थर भी लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहता, वहाँ की दीवार भी लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहती, और जैसा लबैक पूरा होता है अल्लाह कहता है बंदा तूने मुझे पुकारा, तेरे पुकारने में देर हो गई, मेरे माफ करने में मुझे देर नहीं हुई है। तो ये माँ बहने जब आई के पास एक मसला भी बताना चलो, बहुत सी हमारी माँ बहने बेटियाँ ऐसी होगी जिनके पास सोना चांदी जितना होगा मेरे को नहीं मन जितना होगा, कि वो होगा होगा थोड़ा बहुत होगा, अगर इतना हो जाता है तो उस पर आगे फर्ज हो जाता है, मेरे ख्याल से हट के नहीं बोला ऐसे, अगर इतना है तो हमारी माँ बहन और बेटी पर फर्ज पड़ गया है।
गुरु कितने बच्चे दिए देखते ये हमारा क्या होगा कभी हमारी दुकान नहीं चलती तो क्या होता है दुकान हम चलाते खुद हमारे नबी ने फरमाया कि अगर हज फर्ज हो जाए हज न करे और मर जाए हमारे नबी फरमाते यहूदी होके मरेगा ईसाई होके मरेगा कलीजे की मौत पर कभी नहीं मरेगा और शायद ये तीन बातें अगर हमारी जिंदगी में आने तो हमारा काम हो जाएगा। पहली बात तो भरोसा किस पर करना, किसी से शिकवा सिखाए, किसी के सामने अपने घर का रोना धोना, कितनी भी दुखी हो गई किसी के सामने रोना धोना, खास करके अपने शोहर की बुराई किसी के सामने, क्योंकि अगर शोहर की तारीफ करने पर सारी इबादतों से बढ़कर इबादत बन जाती है तो उनकी बुराई भी तो सारे गुनाहों से बढ़कर गुनाह बन जाएगा। तो एक काम, और दूसरा काम ये कि अपनी मर्जी पीछे रखना, अल्लाह की मर्जी आगे रखना। नंबर तीन, अरफा का दिन उस वक्त का, कल हमारा अरफा का दिन होगा, जैसे आज हम अल्लाह से मांगे कल भी अल्लाह से मांगे, ये मांगने के दिन है और अल्लाह के कबूल करने के दिन है। और सबसे बड़ी दुआ ये मांगे कि अल्लाह मेरे ताकत में होता ना मेरी अरफा के मैदान में होता, लेकिन अल्लाह मालूम नहीं तेरी तरफ से मेरा बुलावा नहीं आया, लेकिन जो सवाब तू वहां देने वाला है अल्लाह मुझे सूरत में वो सवाब अता फरमा दे। और मेरी माँ ने अखीर में हम दुआ करेंगे और ये मैं कहूँगा बारिश की वजह से बहुत जगह पर पानी भराना हो रहा है, बहुत जगह पर पानी भर गया, हमारे सूरत से भी सुना कई इलाके में पानी भर गया, अब दो चार दिन पहले हमारी मदद करने की जरूरी है। और सही बात है, मेरी माँ बहने के लिए पानी पड़ता है बहुत नुकसान होता है, लाखों का नुकसान हो जाता है, जानी मानी नुकसान होता है। अब हम सबको इसे दुआ करना चाहिए कि अल्लाह बारिश पड़ता है, आसानी पानी पड़ता है, बोलो आमीन, आंधी पानी न पड़ता है, तूफान पानी न पड़ता है, और झोपड़े उजड़ जाए घर बर्बाद हो जाए ऐसी बारिश न पड़ता है, बस जमीन को सैराब करने वाली बारिश पड़ता है, और जहाँ जरूरत है वहाँ पड़ता है, जहाँ जरूरत न हो अल्लाह आफियत के साथ उसे रोक दे दे। ये दुआ हमको करना है। और अभी मेरी माँ बहने दो मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे और फिर से दुआ शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए माँ बहने ये सोचो कि हम अरफा के मैदान में जमा है, अल्लाह हमारे सामने है और हम अल्लाह के सामने रो रहे, क्योंकि मेरी माँ बहने हम लोग बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार है, लेकिन एक जुमला जो है ना वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे नबी ने एक मरतबा फरमाया था जब एक सहाबी ने आकर कहा कि हम बहुत गुनहगार हैं, हम अल्लाह से कितना मांगे और कैसे मांगे, यानी वो सहाबी कैसे रोके आए होंगे कि अल्लाह से हम इतना गुनहगार हो कि हमको मांगने की शर्म आती है, और कितना मांगे और कैसे मांगे। उस वक्त हमारे नबी ने इतना प्यारा जुमला कहा, कितने गुनाह हैं तेरे, वो सहाबी ने जुमला शुरू किया हमारे नबी ने फरमाया तेरे गुनाह दिन में एक न एक जगह जाके रुक जाएंगे, लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत तो कभी रुकती नहीं है, मेरे अल्लाह की मगफिरत कभी रुकती है। तो चलो हम लोग भी इस घर में बैठ के इस मदद से ले बैठ के अल्लाह से मांगे, अल्लाह का नाम सबके चाहिए मुखादी को पूरा फरमाए, और कोई बीमार था कौन भी कौन था हमारे यहाँ मुफ्ती बेटा बैठा है उनके शेरा मोहम्मद भाई आनंद ने बहुत सुना है दुआ करें चलना कर जितने मर्द यहाँ पर बैठे हैं बुलंद आवाज से करेंगे, हमारी माँ बहन धीरे धीरे आज तक सारा और उसके बाद हम दुआ करें और अल्लाह के सामने रोजे रोटी यहाँ से करें। और क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, दुआ के बाद हम बंद पहले उतर जाइए और से इतमान से उतरेंगे Allah
आज तो तू मेरे आसमान पर होगा, हजारों आज पैदा हुए, लाहाजी जुड़ेंगे,
और मर्द पंक्ति हमारी माँ बहन एहराम की हालत में दुख में खड़े होकर तुझसे कह सकते सब आगेंगे। आज पुराना बच्चा मैदान रोने से गुजता होगा, आंसू से गुजता होगा और सब चीजों पर एक ही आवाज होगी, ए हमारा रब, ए हमारा रब, ए हमारा अल्लाह, ए हमारा बाबू, ए हमारा खुदा। सब की जबान पर एक ही आवाज होगी, ए अल्लाह आप उनको माफ करेगा, उनके सदके में हमारे गुनाह को भी माफ कर पाएंगे। अल्लाह हम सबको हज में ले जा, अल्लाह मक्का ले जा, उम्र में ले जा, मदीना ले जा, आपने मानों में ये बुढ़े घर पा हुआ ले जा। अल्लाह बहुत जमाना हो गया चाहिए, अल्लाह हम सबको मक्का पहुंचा दे, कौन हो गया जिसको खावा जा रही है। अल्लाह काबे की तस्वीर को देख कर आंखों के आंसू भर जाते, कौन होगा जिसको खावा जा नहीं आता होगा, उन सजग याद नहीं आता होगा, मीसा बिलान मत याद नहीं आता होगा, सब समरवा की पहाड़ याद नहीं आती होगी, हजर अशरफ याद नहीं आता होगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरा कोई बंदा नबी के रोज से बिछाता है और नबी के रोज से बिछा कर कहता है मैं गुनहगार बन के आया हूँ, मैं गुनहगार बन के आया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती अल्लाह से मांगने की, मेरे नबी आप मेरी तरफ से मांग लो। अल्लाह फरमाते नबी मांगेंगे, मेरे से बढ़कर तौबा कबूल करने वाला कोई नहीं होगा, मेरे से बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह हम सबको मदीना ले जा, अल्लाह हमें मक्का ले जा, अल्लाह बार बार उम्र आता फरमा, बार बार हज बैतुल आता फरमा, अल्लाह अरब आके पैदा के वो आंसू में हमारे आंसू भी लिख दे अल्लाह, हमारे हाथ भी लिख दे अल्लाह, हमारी जबान भी वहां लिख दे अल्लाह, हमारा मांगना भी वहां लिख दे अल्लाह। ए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करना है, ये अल्लाह 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 ये सब कबूलियत के दिन अल्लाह, आज का दिन कल का दिन ईद का दिन अल्लाह बहुत खुशी का दिन है अल्लाह, हमारी सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह बहुत से लोग रोजी में बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान है, बहुत मेहनत करते अल्लाह, तेरी चुटी कमजोर लगाते मगर पालो में तेरी क्या हिम्मत होती है अल्लाह, लेकिन अल्लाह से हिसाब हलाल बरकत वाली रोजी आता फरमा दे, जो कंधे में डूबे अल्लाह गैर से कंधे अता फरमा दे, जो बे औलाद है उसको औलाद अता फरमा दे, जो साहिब औलाद है उसको अपनी औलाद की तरबियत की तौफीक अता फरमा दे। ये अल्लाह मानो ने ये हमारी माँ है ये बेटी है बिना के लिए हमको नहीं मालूम और कोई परेशान हो अल्लाह कितनी माँ है बेटी बहुत परेशान है अपनी परेशानी की वजह से अल्लाह अपना दुख किसी को नहीं बता सकती। अल्लाह वो सोचती है कि माँ को बोलूंगी तो माँ टेंशन में आ जाएगी, अब्बा को बोलूंगी तो अब्बा की नींद खराब हो जाएगी। ए अल्लाह ऐसी हमारी बेटियां जो परेशान है अल्लाह वो तेरे सामने भीख मांगती है अल्लाह, सारी हमारी बेटियों को चेहरे और सुकून अदा फरमा दे अल्लाह, उनके सारे जायज मकासिद को पूरा फरमा दे, सारी सैयाद को हसनात में बदल दे, सारे गमों को खुशियों में बदल दे अल्लाह। ए अल्लाह ए अल्लाह उन पर तमाम कर दे हमारे बच्चों को भी अच्छा बना दे,
और माँ बहने बेटी कहती होगी हमने छोटे छोटे बच्चे देखे और तमन्ना रखी होगी हमारे बच्चों को हाफी से कामी बना दे अली बामल बना दे उसी कचाई बना दे मुस्तकी परेशान बना दे हमारी बेटी और वापसी पर तकिया नकिया सकिया बना दे कि अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने बनाई मांगी आता फरमा दे जिसने शुरू से बना मांगी पाल फरमा दे एक आदमी को अल्लाह इस दूसरे से मांगने को भी कुछ नहीं अल्लाह हमारे माँ बाप से फरमा दे जिसकी माँ बाप नहीं है कैसे चले गए अल्लाह उनका एक हंसना घर को बाग बना देता था ए अल्लाह हम पर एक बार कंधे का हाथ रखते थे ना ऐसा लगता था सारी फिक्र दूर हो जाती है अल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे उनकी कब्र को रहमत से भर दे उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे उनकी कब्र में जन्नत की नेमत लुटा दे अल्लाह जो मांगा पूरी दे صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة